लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 23 अगस्त को होगी मुलाकात। सीएम के प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी होंगे शामिल। तेज प्रताप ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। तेजस्वी यादव के सलाहकार को भी बनाया निशाना। जगदानंद सिंह ने कहा, हम नहीं जानते हैं किसी तेज प्रताप को। आरजेडी में आए खटास को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने खुद को किया किनारा। राजधानी पटना में अब जेडीयू के भी मंत्री लगाएंगे जनता दरबार। वैशाली में दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट लिए लाखों के गहने। और पटना में गंदा काम करते युवतियों के संग पकड़ाए आधा दर्जन युवक। और अब खबरें विस्तार से। जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। पीएमओ से इसकी स्वीकृति आ गई है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पत्रकारों को दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने समय दिया। बाद में उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि उनके प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल रहेंगे। बीजेपी के भी कुछ नेता शामिल होंगे। बता दें कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस मुद्दे पर प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों नेताओं ने एक बार फिर कहा कि देश के विकास के लिए जाति जनगणना जरूरी है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को भी निशाने पर लिया। तेज प्रताप ने कहा कि जगदानंद सिंह को आरएसएस वाले हैंडल कर रहे हैं, ये वो नौजवान को रोकने का काम कर रहे हैं, पार्टी संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुकदमा करेंगे। उन्होंने गरमाते हुए कहा कि जगदानंद सिंह दोहरी राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में पार्टी में बिखराव होगा। वो आरजेडी के संविधान को अच्छी तरह से पढ़े, उन्हें लगता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनका नाम मीडिया के सभी लोग जानते हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी आज तेज प्रताप यादव पर खूब बरसे। दरअसल पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को हिटलर कहा था। जगदानंद सिंह ने कल देर शाम छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को पद से हटा दिया था। इसी जगह गगन कुमार को नया अध्यक्ष बनाया गया। तो इसी पर आज जगदानंद सिंह को मीडिया ने घेरा तो वो तेज प्रताप पर उबल पड़े और कहा कि हु इज तेज प्रताप, कौन है तेज प्रताप, मैं नहीं जानता। पार्टी में संवैधानिक पद पर तीन लोग हैं, पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, दूसरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तीसरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का क्या रुख रहता है। आरजेडी में तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच मचे सियासी कोहराम का मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी पहुंचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर बाहर निकले तो पत्रकारों ने उन्हें घेरा, लेकिन तेज प्रताप और आरजेडी से जुड़े सवाल आते ही नीतीश कुमार ने खुद को किनारा कर लिया। उन्होंने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मामले पर संक्षिप्त उत्तर में कहा कि वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर मेरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अफगान समस्या को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज विरोधियों को निशाने पर लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विरोधी एक बात जान ले, हम किसी भी हाल में हिंदुस्तान को अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे। वहां जितने भी भारतीय फंसे हैं सभी को भारत लाया जाएगा, इसके लिए केंद्र सरकार सजग है और प्रतिबद्ध है। हाजीपुर के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की रणनीति के तहत कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। सेना के जवान आतंकवादियों को मार गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आतंकवादियों को बिल से निकालकर मार गिराया गया है। देश की सीमा सुरक्षित है, एक परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। लोजपा की आशीर्वाद यात्रा के बाद अब बीजेपी ने राज्य में शुरू की जन आशीर्वाद यात्रा। इसकी शुरुआत गया जिले से की गई। जन आशीर्वाद यात्रा की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत अनेक नेता शामिल हुए। मौके पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं के नाम से विपक्ष तथा अन्य राजनीतिक दल घबराते थे, उन समस्याओं को समाधान केंद्र की एनडीए सरकार ने चुटकी में कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाया, नागरिक संशोधन विधेयक लाया, सभी गांवों को बिजली से जोड़ा गया। बिहार में अभी भी जनता दरबार का दौर चल रहा है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दोबारा जनता दरबार कार्यक्रम शुरू हुआ। इसी कार्यक्रम का नाम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। इसके बाद बीजेपी ने जनता दरबार के तर्ज पर सहयोग कार्यक्रम शुरू किया। इसकी देखा देखी अब जेडीयू ने भी जनता दरबार कार्यक्रम करने की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के अनुसार जेडीयू कोटे से बने मंत्री भी अब अगले सप्ताह से फरियादियों की समस्या सुनेंगे और उसे
हल करेंगे। जेडीयू के मंत्री मंगलवार से शुक्रवार तक सुनवाई करेंगे, इसकी लिस्ट बन गई है, संबंधित मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। वैशाली में अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कभी बैंक लूट हो जाती है तो कभी राहगीरों से छिनतई हो जाती है। ताजा मामला जेवर दुकान के लूट का है। वैशाली के पातेपुर में आज अपराधियों ने ज्वेलर्स दुकान से दिनदहाड़े लाखों के गहने लूट लिए, गहनों के साथ कैश भी अपराधियों के हाथ लगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसपी के आदेश पर जिले की नाकेबंदी की गई है, चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। हालांकि समाचार दिए जाने तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। राजधानी पटना के होटल में देव व्यापार के हाई प्रोफाइल रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस ने किया। कोतवाली और कंकड़बाग थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से चिड़ियाटाल पुल के पास एक होटल में छापेमारी की। पुलिस ने वहां से 7 युवतियों को पकड़ा है, उनके साथ 10 युवक भी गिरफ्तार किए गए। युवतियों के पास से लैपटॉप मोबाइल आदि बरामद किए गए हैं। ये युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताई जाती। पुलिस ने होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में देव व्यापार का गंदा काम चल रहा है। पुलिस गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर रही है। बिहार में अब गंगा नदी में नरमी आने लगी है। बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा के जलस्तर में कमी आने लगी है। पटना में तो गंगा जिस रफ्तार से चढ़ी थी उसी रफ्तार से उतरने भी लगी है। हालांकि कुछ जिलों में अभी भी गंगा का खतरा तला नहीं है, गंगा खतरे के निशान के ऊपर है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को ये तमाम जगहों पर लाल निशान से नीचे आ जाएगी। पटना में पुनपुन और सोन नदी भी तेजी से नीचे उतर रही है। दूसरी तरफ उत्तर बिहार की दूसरी नदियां अभी खतरे के निशान से काफी ऊपर है। कोसी नदी कटिहार और खगड़िया में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। गंडक की लगभग 1 महीने से गोपालगंज में खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर के लखरंदेई नदी भी उफान पर है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।